नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी लाइव एसएससी पे स्वागत करता हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री। कॉपी पेन उठा लीजिए और दिल नहीं करता तो ऐसे लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग लगाइए मास पॉइंट ज्योमेट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मास पॉइंट ज्योमेट्री, मतलब बहुत काम आने वाला है। जैसे आपने एक सवाल देखा था इन सेंटर पे हमने एक सवाल देखा था, आपको याद होगा, जहां हमने बी प्लस सी बाई ए से उस सवाल को सॉल्व किया था और 38/7 उत्तर आया था। वो सब सवाल भी हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से कर सकते हैं। क्या है मास पॉइंट ज्योमेट्री, पहले जानते हैं मास पॉइंट, फिर इसको ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे ये बात जानेंगे, ठीक है। मास पॉइंट तो बहुत छोटी सी बात है कि मास पाई कहाँ पर लटकता है, सेंटर पर लटकता है, सेंट्रोइड पर। अगर मैं इसको यहाँ से बांध दूँ और यहाँ पे 5 kg का मास लटका दूँ, यहाँ पे भी 5 kg का लटका दूँ, तो ये बैलेंस हो जाएगी लाइन, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। कब होगी पता है ये बैलेंस? जब ये दूरी बराबर होगी, जब हम बिल्कुल बीचों बीच से तराजू पकड़ेंगे तब ये दूरी बराबर होगी, यही मास पॉइंट है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप इसको थोड़ा इधर खिसकाने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कि आपने इसको थोड़ा इधर खिसका दिया, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अब इधर वजन ज़्यादा डालना पड़ेगा। ऐसे ही तो करते हैं जो लोग गांव में रद्दी वगैरह लेने आते हैं, बेईमानी करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका लेंगे, हाथ से पकड़ लेते हैं हल्का सा, और आपकी 10 किलो की रद्दी को 2 किलो बता के आपको 11 रुपये हाथ में थमा जाते हैं। आपने शायद बेची नहीं होगी पुरानी रद्दी, गांव में तो लोहे से भी अमरूद मिलता है, वस्तु विनिमय कहते हैं उसे, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। मान लेते हैं कि इधर 5 kg का वेट है और इधर 10 kg का वेट है, इधर 10 kg का वेट है, क्योंकि इधर ज़्यादा वजन लटकाना पड़ेगा तभी ये वैलेंस होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये दूरी 2 और ये दूरी 1 लेनी पड़ेगी। मास पॉइंट ज्योमेट्री हमें ये सिखाती है कि बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए तभी ये बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 10। मास पॉइंट ज्योमेट्री ये कहती है कि अगर ये लाइन आपको बैलेंस करनी है यहाँ पे, और ये दूरी x1 है, ये दूरी x2 है, यहाँ पे वजन m1 लटका है, यहाँ पे वजन m2 लटका है, तो हम बोलेंगे कि m1 x1 = m2 x2। दिस इज कॉल्ड मास पॉइंट ज्योमेट्री। इतनी सी बात लिखिए, फिर मैं आगे की और कहानी बताऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा। बट एक बात ध्यान रखनी है कि ज़्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं लिया कभी। कहीं से भी कोई सवाल बीच में डाउट आता है पूछ सकते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, टंकी सुधार दूंगा। हाँ, मतलब नहीं पता होगा इसका, बताऊंगा भी नहीं। ए निगरो, बुलवाऊं भी फालतू? आपने बनाया क्या पिट्टू भाई? इसके बाद जैसे अब हम इस मास पॉइंट ज्योमेट्री को इसमें कैसे लगाएंगे, ट्रायंगल में कैसे लगाएंगे? देखिए ट्रायंगल में कोई भी 3 लाइन आपने देखा, मीडियन एक पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम मीडियन कहते हैं, वो पॉइंट सेंट्रोइड हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट करता है तो वो इन सेंटर हो जाता है। हाइट एक पॉइंट पे कट करते हैं, ऐसी कोई भी 3 लाइन, जैसे अब एक को आप मीडियन कह रहे हैं, एक को आप हाइट कह रहे हैं, एक को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं, तो ऐसी कोई भी 3 लाइन इन एनी ट्राइंगल, इफ 3 लाइन इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड सीवियंस या आर कॉल्ड सीवियंस। जो लाइन, जैसे हम किसी का नाम मीडियंस बोल रहे थे, किसी का एंगल बाइसेक्टर, अब हमने एक कॉमन नाम निकाल दिया, और वो कॉमन नाम क्या है,
इन एनी ट्राइंगल तीन लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे काटते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिवियंस। यानी कि मीडियंस भी सिवियंस है, एंगल बाइसेक्टर भी सिवियंस है, सारी चीजें क्या है सिवियंस है, इनको हम सिवियंस बोलते हैं। हिंदी में भी ऐसे लिख दीजिएगा सिवियंस, ठीक है। इन्हें ये मैंने बता दिया आपको। तो जब हम इन लाइनों को बैलेंस करने की बात आती है, जैसे मैं इस लाइन को यहाँ बैलेंस करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 और 3 kg का वेट है यहाँ पे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 3 और 2 का अनुपात होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ये लाइन को आपको बैलेंस रखना है हम, और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर यहाँ पे 3 और 2 है तो आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन, यानी कि वो बीच में नीचे की तरफ 5 kg लटके, 5 kg वर्क कर रहा है, उसी को तो ये ऊपर उठा रहा है 5 kg, तो यहाँ पे 5 kg आ गया। अब अगर आप इस लाइन को इस पॉइंट पे बैलेंस करना चाहते हैं, डी पॉइंट पे बैलेंस करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि यहाँ पे 6 kg है ऑलरेडी, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये दूरी का अनुपात 5 और 6 होगा, ऐसे कहना पड़ेगा। ये हम ट्राइंगल में लाइन्स को बैलेंस करते हैं। अब हम सवाल से इसको और अच्छे से समझेंगे, आप अभी इतनी बात लिख लीजिए और अच्छे से समझेंगे। ये बोल रहे हैं कि इससे अच्छा गाली दे दिया करो वो ठीक है, बट इस तरीके के शब्द ना इस्तेमाल। क्यों बिट्टू भाई, आपको अपना नाम पसंद नहीं है, इतना बढ़िया नाम रखा है हमने। आपका नाम क्या है, खुद का है, नाम तो खुद के ही होते हैं। अच्छा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नाम में देखिए बड़ा समस्या है नाम की, क्या करें, बट लोगों को लगता है कि नाम में महंगे हैं, रखते ना गांव में जितेंद्र धर्मेंद्र रमेश, अरे नाम में कौन से पैसे लग रहे हैं, लिख लो टॉम क्रूज क्या जा रहा है बताइए, बेटी हुई तब एंजेलिना जूली, इसके भी पैसे लग रहे हैं क्या। नाम में तो एटलीस्ट अमीरी झलकनी चाहिए कि नहीं झलकनी चाहिए। सुरेंद्र, अरे यार उम्र हो रही है अब सुरेंद्र ये सब नहीं अच्छे लगते, क्या जा रहा है यार नाम रचा कौन। अच्छा अच्छा वो बताइए क्या जा रहा है, नाम अच्छे रख लो यार, नाम में कुछ पैसे नहीं लगते। आप अपने बच्चों के अच्छे नाम रखिएगा ताकि वो बाहर कहीं जाए तो एक रौला आए, नाम से आदमी है ना पहचान पाए कि आदमी गरीब है गांव से, ये ना कोई नाम से पहचान पे, बाद में फिर शॉर्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जैसे हमारे गांव में नन्ने लाल सिंह, एनएल सिंह, कई लोग तो नल पढ़ देते हैं, फिर छोटे लाल, सीएल सिंह, ये सब नहीं। दोबारा समझना है, नहीं दोबारा नहीं, आप सवाल मैं कराऊंगा ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। हम एक दो सवाल तो वही ले रहे हैं जो अब तक हम सिमिलरिटी से करते रहे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए एक सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्त, एबीसी इज ए ट्राइंगल इन विच एडी इज मीडियन। आप ये पढ़ चुके हैं, एडी मीडियन है, ये वाली बात आपको मैं बता चुका हूँ, ये सवाल करा चुका हूँ। और जी मिड पॉइंट है एडी का, एएफ और एफसी का अनुपात चाहिए, तो बीसी को प्रोड्यूस किया गया एफ तक एसी पे, तो आपको बताना है कि अनुपात क्या होगा। याद है ऐसा सवाल हमने सिमिलरिटी में आपको बताया था, याद होगा। अब इसमें हम ये मास पॉइंट कैसे निकालेंगे और कैसे इस सवाल का उत्तर निकालेंगे ये देखिए। देखिए ये दोनों दूरी बराबर हैं क्योंकि मीडियन है दोस्त, है या नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार इस पे अगर मैं मास 1 मान रहा हूँ तो इस पे भी 1 लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा तो बीच में कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा या नहीं। अब आपको ये भी पता है कि ये और ये दूरी बराबर है, ये और ये दूरी बराबर है, और ये लाइन जी पे अगर स्टेबल है तो अगर यहाँ 2 kg है तो यहाँ कितना होगा, 2 ही होगा, तभी तो बराबर है क्योंकि दोनों बराबर हैं, जी मिड पॉइंट है। अगर ये 2 kg है और ये 1 kg है और ये एफ पे बैलेंस हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ ये 1 और 2, यही हमने पढ़ा था 1 और 2, यही तो हमने प्रूफ किया था सिमिलरिटी से, बट इससे अलग मजा आता है। हाँ मज़ेदार है बहुत, ये इंटरेस्टिंग है। बस ऐसे ही आपको वजन नापते रहना, जहाँ पे बीच में आ जाएगा दोनों को जोड़ के लिख देंगे, वजन का उल्टा दूरी का अनुपात होगा। ए कैपू देखो, ज़्यादा मज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, तभी नाम निकलते हैं।
ये पंचायत में 2 वोटों से हारने वाली महिला के भाई। हाँ बताइए, आपका नाम क्या रखा था मैंने, भूल गया मैं तो। सर मेरा एक दोस्त था, रॉक स्टार टाइप का था, अपना नाम MD बताता था, बाद में पता चला था उसका नाम माता दीन है। बताइए, होता है ये सवाल आ गया आपको समझ? एक बार और, अरे यार आपने कह दिया हंसते हुए हम ना बताएं। हमने कहा ये दूरी बराबर है तो 1-1 किलो मान लें, बराबर मानना है जो भी मानना है, बीच में 2 किलो हो गया। अब ये दूरी भी बराबर है तो यहाँ 2 किलो तो ऊपर भी 2 किलो होगा, अगर ये 2 किलो ये 1 किलो है तो ये 1 और 2 का अनुपात होगा, तभी ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर इधर उधर की बातें की ना तो निगरो साहब कब निगरो से निगरी हो जाओगी पता नहीं चलेगा, पहचान में नहीं आओगी। पढ़ रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है सवाल का? 24 आ रहा है, इसने आपसे पूछ लिया होगा। देखिए, ABC AG और GD का अनुपात 2-3 का है और BD और DC का 5-3 का। आप एक बात बताइए, अगर ये 5-3 का अनुपात है, रांची वाले भाई साहब देखिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे वजन 3 और यहाँ पे वजन 5 होगा, बोलो होगा या नहीं? 3×5=15, तो बीच में वजन कितना होगा? 8 होगा। अब आपको ये पता है कि ये जो दूरी है ये 2-3 है, 2-3 है, तो आपको ये भी मालूम होगा दोस्त कि ये 2 वाला वजन यहाँ आएगा, 2 की वैल्यू 8 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 12, यहाँ 12 आएगा भाई, देखो 8 + 3 = 24, 12 × 2 = 24। आप ऐसे भी देख सकते थे कि इस 8 की गुणा इससे करते कितना आता, 24। अब आपको 24 लाना है, ये 2 है तो ये कितना होगा? 12। अब आप ही बताइए, ये 12 और ये 5, यानी कि ये दूरी 5 होगी और ये 12 होगी, बोलो। 5 की वैल्यू 10 है सवाल में, तो 12 की 24, बताओ कहीं डाउट है तो? आपने कर लिया था, अभी सीख पाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ये भैया बताएंगे क्या नाम है इनका, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ गए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, आज आपको यही सवाल करने और उत्तर बताने। ये सवाल आप कर चुके हैं, बट हम फिर इसको दोबारा कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, जैसे अब इसमें ओ इन सेंटर दे दिया, अगर इन सेंटर नहीं भी देता तो हम मास पॉइंट ज्योमेट्री से कर लेते, बट जब इन सेंटर दिया था तो हमने क्या तरीका लगाया था, B+C/AC+A/B, बट वो इन सेंटर था इसीलिए। अगर ये इन सेंटर ना दे, केवल ये कह दे कि ओ जो है 3 लाइन है और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, बताया नहीं इन सेंटर है क्या है, तब भी हम क्या लगा सकते हैं, मास पॉइंट ज्योमेट्री, बट वो तभी लगा पाएंगे इन सेंटर वाली बात। देखो आपको उत्तर तो याद ही है इसका, ABC एक ट्रायंगल है और AO और OE, ये O पॉइंट है, ये 5-4 है, CO और OD ये 3-2 है, और BO और OF पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझने की बात है, आप मुझे बताइए, अगर मैं 5-4 लेता हूँ तो यहाँ पे 4 और 5 बेट आएगा, बीच में 9 आएगा,
नौ आएगा, यहाँ पे दो और तीन लेता हूँ तो ये तीन तीन और दो और बीच में पांच आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग आए, हमें बीच वाले वेट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। नौ और पांच को इक्वल करेंगे तो मैं बीच में 45 वेट कर लेता हूँ। अब जैसे आपने ऑप्शन देखे इस सवाल के 38-7 ऐसे ऑप्शन, 35-6 तो हम देखेंगे बीच में 45 है तो बिट तो इसका भी 45 आना है, तो हम देखते ही 38 और 7 45 से लगा देंगे, फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? वी डोंट मूव फॉरवर्ड आगे, क्या बताया था कल तुम्हारा नाम इंग्लिश में, ब्रोकन फेदर्स, ब्रोकन फेदर्स, तुम्हारी सहेली नहीं आ रही 2-3 दिन से, फॉरेन गई हुई है, किस लिए? कॉलेज में गई हुई है, अच्छा मुझे लगा फॉरेन गई हुई है, बच्चे हमारे फॉरेन जा रहे हैं, हमने शक्ल नहीं देखी आज तक फॉरेन की। कल मैं देख रहा था कि आजकल मैं जाना तो है ही, एक बार रूम देख रहा हूँ इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, हाईएस्ट से हाईएस्ट रूम रोम में 70-80 हज़ार, शुरुआत रेडिसन वेडिसन की तो 5-6 हज़ार से, पता नहीं भारत में ही लोगों को ज़्यादा लगी हुई है हवा की। तो इटली रोम कैसी जगह, रोम जैसी जगह होगी भारत में कोई? 5 हज़ार में 5 स्टार में रूम मिल रहा हूँ, और नहीं तो क्या है? नहीं नहीं नहीं, रुपए में बात कर रहा हूँ, गुआई भी वो ले रहा, और ये सब क्या मतलब है, रुपए की बात हो रही है सर। अरे दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में 3 लाख से ऊपर रूम नहीं है कोई, पूरे दिल्ली में इतनी बड़ी भारत की राजधानी है, तो भाव उनके बड़े हुए हैं जो जहाँ अंग्रेज आते हैं, जैसे ताजमहल के पीछे जो होटल है उसमें 7 लाख का रूम है, क्योंकि पता है ताजमहल देखने अंग्रेज आएंगे, शाहजहाँ ने कैसे बनवाए, 7 लाख में घर की छत पे छोटा ताजमहल बन जाएगा, मैं बता दूं, जिसको जब आप दूरबीन या लेजर से देखेंगे तो वो बड़ा देखेगा वैसा ही। राजस्थान में नहीं, मैंने देखा वहां महंगा जहां अंग्रेज आते हैं, तो आप लिख दो कि आवर होटल इज ओनली फॉर अंग्रेज, हमारा मन तो ना ललचाए कम से कम। ताजमहल को ऐसी कोई खास जगह नहीं है साहब, ताजमहल वो भी कहते हैं लोग मोहब्बत में बनवाया था साहब शाहजहां ने, मोहब्बत थी, आपको तो पता ही है कि मुमताज कैसे गई है दुनिया से, ये मोहब्बत थी। 5 और 4 हमने कहा कि इक्वल कर देते हैं, तो 5 और 4 9 को आपने 5 से गुणा किए तो 25 तो यहाँ पे बेटा आएगा और 4 5 20 यहाँ आएगा, इसको 9 से गुणा हुई है तो 9 3 27 यहाँ आएगा, 9 2 18 और 9 3 27 यहाँ आएगा। कोई बच्चा बता सकता है अगर यहाँ 20 है और यहाँ टोटल 27 है तो यहाँ कितना आएगा? 7। अगर यहाँ 20 है और यहाँ 18 है, बीच में कितना आएगा? 38। तो ये 38 और 7 है तो ये अनुपात क्या हो जाएगा BO और OF का? 38 और 7। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपको करना है, बहुत अच्छा, ठीक है, ये समझ आ गया भाई साहब आपको, ठीक है। ये सवाल है, निकाल पा रहे हैं इस सवाल का उत्तर? देखिए मैं बताता हूँ इस सवाल में कैसे हम ये लगाएंगे। देखिए द
ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स एंड द एरिया ऑफ दीज पार्ट्स आर गिवन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एरिया के का पूछ रहा है, देखो बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से हलवे मैंने, बड़े फालतू बात नहीं। निग्रो जी देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, इसका एरिया 5 है, इसका 10 है, तो ये दूरी 2 और 1 होगी। दूरी की बात की है मैंने सिर्फ, मैंने कहा दूरी 2 और 1 होगी क्योंकि एरिया के अनुपात में ही बेस बटता है। बताओ ये 2 और 1 होगी दूरी, श्योर है? दूरी को हम कैसे गोल कर देते? अच्छा ये एरिया 8 और 10 है, तो ये जो दूरी होगी ये 4 और 5 होगी। क्लियर है ये बात? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये 5 है और ये 4 है, तो यहाँ पे वेट 5 हो सकता है और यहाँ 4 हो सकता है और बीच में 9 हो सकता है पुत्र? अरे नहीं, इरेजर दबाते नहीं है ना, इरेजर अलग है, वो यूज करेंगे तो हो जाएगा। वेट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना ब्रैकेट में ताकि आपको पता रहे, 9 हो गया। अब आपको पता है मैंने 9 क्यों रहने दिया था, देखा नहीं था क्योंकि मैं समझ गया था 2 और 1 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि यहाँ 2 वाले की जगह यहाँ 6 आएगा और यहाँ 3 आएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, कन्फर्म। अब ये भाई साहब बताएंगे, देखिए अगर ये 5 है और ये 3, इट मीन्स कि ये 2 होगा, या तो यहाँ से 2 निकाल लो, या फिर ये 6 था ये 4 था तो यहाँ से भी, क्योंकि मुझे एरिया निकालने के लिए करना क्या था, इस दूरी का अनुपात चाहिए था। अब अगर ये 2 है और ये 3, तो मैं ये कह सकता हूँ ये दूरी 2 और ये दूरी 3 हो, बोलो होगी। अब अगर मैं इसको इससे मिला देता हूँ तो ये 2 की वैल्यू 8 है एरिया में, 3 की 12 होगी, बोलो एरिया 12 होगा कि नहीं? आधे पार्ट का मैंने निकाल दिया। अब आपको पता है ये 2 है और ये 4 है, यानी 1-2 का अनुपात है, तो ये दूरी 2 और 1 का अनुपात होगी, बोलो। अगर 1 की वैल्यू 5 है एरिया में, तो 2 की 10 हो जाएगी, तो जो के टोटल कितना आ गया, 12 प्लस 10 बराबर 22, यही उत्तर है। सीखना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न, काम नहीं चलेगा, वर्क विल नॉट गो, वर्क विल डिनाई। एक बार और बता देंगे, बाकी और भी सवाल करेंगे, अभी खाली यही नहीं है कि एक ही सवाल कर रहे हैं, बहुत सवाल हैं करने के लिए। आपको समझ आया सवाल? मन लग रहा है पढ़ाई में? वेरी गुड। तुम दोनों में आप कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? लड़ाई झगड़ा किया तो समझ, डांटेंगे बहुत पूरी तरीके से। एक बार क्वेश्चन लिख दें? नहीं नहीं उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसमें कोई डाटा नहीं है, उसमें बस इतना लिखा हुआ है कि 8 10 5 और के दिए गए क्षेत्र के क्षेत्रफल हैं, एरिया हैं, तो के का मान बताओ, बस और कुछ नहीं दिया सवाल में, तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने हटा दिया था सवाल, और मिनिमाइज करूंगा तो सब मिट जाएगा। तुम बताओ भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो, मन मंद है? ये बच्चा भी बहुत सीधा है। पीछे पोर्ट ब्लेयर, समझ आ रहा है तुम्हें? कब जा रहे हो घर? जाना भी मत, बहुत महंगी फ्लाइट है इस वक्त। बताओ इस बंदे के पास तो फ्लाइट के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कोई और ऑप्शन है? अच्छा शिप से आ जाओगे चेन्नई या कोलकाता और वहां से फिर ट्रेन से? आपके लिए तो सरकार ने भी शिप चला रखा है ना एक, और एक फ्लाइट भी चला रखी है एयर इंडिया की, चार्टर प्लेन। नहीं फ्री में नहीं, उसका 3000 रुपये किराया, बट उसमें मैंने सुना है खड़े करके लाते हैं कस्टमर को, हाँ बैठने की जगह नहीं है, छत पे बिठा देते हैं। ओए हिसाब से बात कर लेना, चमड़ी बदल दूंगा, पहचान में नहीं आएंगे घर वालों के लिए कि हमारा ही बच्चा है। और मुझे तो ऐसा लगता भी है कि तुम बचपन में मोहल्ले में खेल लोगे, मम्मी कोई दूसरा उठा लाई है। बचपन में क्या बच्चे गंदे हो जाते हैं, गांव में क्या होता है बच्चे इतनी मिट्टी में हो जाते हैं भाई साहब, माँ जो है 3-4 बच्चे उठा लाती है, कह रही धुल के देखूंगी, जो अपना निकलेगा बाकी दे दूंगी। अरे होता है ऐसे गांव में इतने, अरे होली पे तो अक्सर होता है, होली पे पहचान में आते हैं क्या बच्चे? होली पे माँ लाई उठा के डाल दे टब में, रंग जुट जाएगा, अपना अपना पहचान लेना।
आपके गांव में ये सब काम नहीं होते लगता है। बचपन में एक बार हुआ था, ये स्टाइल जा रहे बताना नहीं चाह रहे, कोई बात नहीं। कब? द ट्राइंगल डिवाइडेड इंटू सिक्स पार्ट होगा, पॉइंट नहीं, एंड द एरिया ऑफ दीज पार्ट्स आर गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का एरिया बताना है, जिस भी तरीके से लगा सकते हैं आप, ये मास पॉइंट आप लगानी है और उत्तर निकालना है। थर्टी फाइव बी और सी है, क्या मतलब है? जो एरिया है ऐसे, इसका 35 है, इसका 30, इसका 40, इसका 84। आप बताएंगे जी इस सवाल का उत्तर? नहीं नहीं हुआ, बना रहे हैं, बनाइए जल्दी यार। ये कोई ये गाजर का हलवा नहीं है जो चढ़ा दिया कढ़ाई में और घंटों लग रहे हैं। कमाल है यार, आप भी बना रहे हैं, बना रहे हैं। बोल हल्के हल्के बताओ भाई, तुम बताओ। नहीं करोगे यार, एक सवाल नहीं कर रहे, छोटा था यार। क्या यार, लल्लू किस्म के आदमी हो आप यार, सीरियसली यार। देखिए भाई, ये 40 है और ये 70 है, तो मैं ये 4 और ये 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अच्छा, ये 40 और 30 70 है पूरा, और ये 35 है, तो मैं ये 2 और 1 कह सकता हूँ। अब इस लाइन को भूल जाओ, 2 की वैल्यू 70, 1 सही है, इतना सब इतना तो सही होगा। अब आपको बताइए कि यहाँ 3 आएगा वेट और यहाँ 4 है। अब अगर एक की जगह 3 है या 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। अब बस इतनी बात बता दीजिए, अगर यहाँ 6 और यहाँ 4 है तो यहाँ कितना होगा? तो वेट का अनुपात कितना है? 4:2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पुत्र कि यहाँ पे 1 आएगी दूरी और यहाँ पे 2 आएगी। ये पूरा एरिया कितना है? 40 30 70 35 105। 1 की वैल्यू 105 है भाई, पूरा 2 की कितनी होगी, तो मिला के कितना आ गया एरिया? 210 और 105, 315। हमसे पूछा गया है पूरे ट्रायंगल का एरिया, पूछा है तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। आप पता है किस चक्कर में पड़ गए? मैं सारे पार्ट का अलग अलग निकालूंगा, इसका इसका क्या जरूरत है, जोड़ने में भी तकलीफ होगी, ऐसे मत करिए। पंचायत साहब आप बताइए, इस बार आपके भाई को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में हम जाएंगे, कब है चुनाव? 5 साल बाद। तो हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक, तो बच्चों को भी ले जाना, तो बच्चों कौन सा वोट हो जाएगा तब तक? अजीब किस्म की महिलाएं आप। दोबारा बताऊं, इधर से घूम के बताना है। आप बताइए, अभी ठीक है? अभी ओके है, डन, क्लैप, कट। देखिए 40 30 4 और 3 आ जाएगा, 70 35 2 और 1 आ जाएगा। इट मींस अगर यहाँ 3 और 4 है तो यहाँ वेट 3 होगा और यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पे वेट 3 है, 3 दूनी ये दूरी 2 6, तो 1 6 के 6 यहाँ 6 होगा। अगर यहाँ 4 है और बीच में 6 तो यहाँ 2 होगा। अब 4 1 4 4 2 दूनी 4, यहाँ पे 1:2 का अनुपात आएगा क्योंकि वेट का 2:1 का है। तो हमने कहा अगर अब ये ऐसे बन गया सवाल,
अब सवाल यह है कि इसका एरिया 105 है और ये 1 2 है, तो हमें 1 की वैल्यू 105 है। कोरिया का बच्चा बता देगा 3 की कितनी होगी, 315। अगला सवाल लिखना होगा। सभी पुरुष अगले सवाल पे फोकस करेंगे। आप बताइए, कोई मन में डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ भी मन में संदेह तनिक मात्र भी है। तुम ये ऐसे क्यों बैठे हो भाई? L1 L2 टूट जाएंगे, सेकंड नहीं लगेंगे। ऐसे बैठ रहे भाई साहब, पढ़ रहे ऐसे रहे, बारात में आए हुए हैं, हैं? गार्डन समझ रखा है, ससुराल है तुम्हारी कि स्वागत होगा? सालियां जो है वो दीपक और फूल ऐसे बरसा रही हैं, जीजू आए हैं, मट्टी तेल डाल दिया फूल में रख के, एक साली माचिस लेके अलग से खड़ी है, कह रहे बहुत परेशान करता दीदी को, मैं देखूंगी। अभी हल्ला कर रहा हूं, चुपचाप से सवाल देखो। अगला सवाल ये बिट्टू को कितना मजा आ रहा है। नॉलेज आपको भी बहुत है, क्या नाम है इनका? मैं बताऊं, देखिए दोस्त, एडी और डीबी का अनुपात 3:2 है, ये 3 है और ये 2 है। बीई और ईसी का अनुपात भी 3:2 है, तो डीई और ईएफ का बताना है क्या होगा, डीई और ईएफ का क्या होगा? बड़ा सिंपल है, देखिए आप बताइए, यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी आना है, यहाँ पे 3 का भी आना है, तो क्यों ना यहाँ 6 ले लें। अब 3 × 6 या 6 × 12, तो 3 × 4 है, 4 आ जाएगा, बताओ। अब यहाँ 2 की वैल्यू 6 या 6, आप ऐसे वैल्यू वैल्यू छोड़ा करो, आपको पता है गुणा कर लिया करो, 6 × 3 = 18, तो 2 × 2 = 18 या 9 आ जाए। अब यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 5 आएगा। अब अगर यहाँ 5 आ गया, तो आपसे पूछा गया है, ये पूछा है ना, अगर यहाँ 5 आ गया और यहाँ बीच में कितना है, 10 है, बोलो। अगर ये पूछा होता तो मैं ये भी निकाल देता, ये 5:4 का अनुपात होगा, बट पूछा नहीं है। अब ये 5 और 10 है, यानी कि ये 2 और 1, ये उत्तर होगा इस सवाल, 2 और 1। जिस भी महापुरुष को डाउट है, कोई समस्या है, कोई संकट है, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। फोन नंबर है 8888888888 लास्ट में। ऑन करेंगे, पहले आवाज आएगी, जस्ट डायल में आपका स्वागत है। एक सवाल आपके सामने बहुत ही सुंदर, इस सवाल को जब हमने देखा था तो हमने सोचा था कि आपसे पूछेंगे, तो पूछ रहे हैं। सवाल पेश किया जाए जी, जरूर। हाँ, इस सवाल में डाउट है किसी को? डी ई पूछा है ना, DHT 1:2 जी, करेक्ट कर दिया हमने। तिलाची सवाल करेंगे हम, कौन सा करेंगे, तिलाची नंबर जी लीजिए, करंट आ रहा है बोर्ड में, बट हम आपके लिए इतना करंट पी लेंगे, देखिए।
क्यू आर एक त्रिकोण है, त्रिकोण समझते हैं, त्रिभुज है। हिंदी बहुत ही पुअर है, इंग्लिश देखिए, टी आर का चौराया है। तुम बताओ भी 25-12। यार मतलब मैं आप लोगों को क्या कहूँ, आप हर सवाल कर देते हैं यार। क्यों भाई सृष्टि, आपके रचयिता कौन है? अरे सृष्टि किसी ने तो रची है, या आपका ही वही है, मुझे अमेजोन की एक यार यहाँ बुड्ढे भी आ रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। पॉइंट टी इज ऑन पी क्यू, टी जो है वो पी क्यू पर है। एस इज ए पॉइंट ऑन पी आर, एस पी आर पर है। पी टी और टी क्यू का अनुपात 4:5 है, 4:5। पी एस और एस आर का अनुपात 2:3 है। और पॉइंट यू इज द इंटरसेक्शन ऑफ एस क्यू एंड टी आर। कौन सा इंटरसेक्शन है जी? यू यू। व्हाट द रेशियो ऑफ क्यू यू एंड यू एस? वाह क्या इंटरसेक्शन पूछा है। देखिए दोस्त एक बात समझिए कि 5 इधर आएगा और 4 इधर और 3 इधर आएगा, तो 5 और 3 का मल्टीपल 15 ले लें इधर, 15 × 4 = 60 इधर, 12 × 5 = 60, 15 × 2 = 30 इधर, 10 × 3 = 30। सिंपल है, 10 × 3 = 30, मुश्किल है नहीं? अब आपको ये पता है कि यार ये 15 और 12 हमसे पूछा क्या है, ये क्यू यू, अच्छा ये तो 15 और 10 यहाँ 25 आ जाएगा टोटल, और ये 12 है तो ये 25 और ये 12 आ गया। बल्ले बल्ले ए उत्तर आ गया। एक बार और बताओ, अभी एक बार और, ज्यादा मजा आ रहा तुम्हें? मेरे सामने हिसाब से बात करना, अच्छे अच्छे ने पानी भरा है। कोई मुझसे फालतू बात नहीं करेगा, और जो करेगा वो जाएगा अंदर। मुझे हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, ठीक है से लेकर के सब। छपरा में हम छठ ही किए हैं, देवघर साथ में जाएंगे, ठीक है संग ही जल चराएंगे, जुड़वा लड़का पाए। गाना है भैया, नून रोटी खाएंगे, जीवन संग बिताएंगे, ठीक है। बताओ तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो गए भी कुछ नहीं कर पाए, और लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है बोल के। आप भी तो वहीं से थे, आपने ठीक है क्यों नहीं शुरुआत की? इन ए ट्राइंगल ए बी सी मीडियंस ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट एट पी। मैंने एक सवाल बीच में जानबूझ के ऐसा पूछ लिया था, मुझे पता था कि भी मास पॉइंट चल रही, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात घूमेगी, मास पॉइंट वही लगाने लग पाएगी नहीं, उत्तर आएगा, लग तो जाएगी लेकिन लगानी नहीं है इस सवाल में, तो बहुत ही सिंपल है। दिस इज वेरी मच सिंपल सवाल, डू यू सॉल्व इट? नोप्स। क्या उत्तर आएगा इस सवाल का? और बिट्टू तुम, अब बिट्टू ऊपर नहीं देखेंगे क्योंकि बिट्टू को पता सवाल हुआ नहीं, हो गया अच्छा थोड़ा रह गया होगा, तो उत्तर एक आध का मारा होगा, मैनेज कर लेंगे, बता दीजिए। 24 18।
एक लड़का कल मेरी वीडियो पे लिख रहा था कि तुम्हें पता नहीं है, जाके देखो रेलवे में 5 लाख वैकेंसी आई हैं, और जो गिट्टी नहीं उठाते हैं उसे लोग वैकेंसी बोलते हैं, पढ़ लिख के बीए पास आदमी गिट्टी उठा रहा है साहब, नट कस रहा है उसके। इससे अच्छा है तो गांव में हैंडपंप का काम कर ले, वो ज़्यादा सही है, किसी का नल खराब हो गया सही कर दिया, ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें, चाय भी मिलेगी साथ में। देखो संजीव तो एक्सपीरियंस्ड है। ट्वेंटी सेवन क्या हो रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ, इतना सिंपल सवाल है, यमुना कुछ करोगी जीवन में कि नहीं? हैं, तुम तो सृष्टि का विनाश कर रही हो, लोग रचते हैं सृष्टि। इन्हें ट्राइंगल एबीसी, एडी और सीई एक दूसरे को पीपर काटते हैं, एडी और सीई पीपर काटते हैं, मीडियंस हैं भाई ये। पीई कितना है? 1.5, और पीडी दो, पीडी दो, डीई, ये तो डीई तो कहीं है ही नहीं, ये रहा 2.5। व्हाट द एरिया ऑफ द एईडीसी? निकाल देंगे हम निकालेंगे इस सवाल को, रोक सकता है कोई? मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, छोटी सी, बहुत सिंपल, ज़्यादा बड़ी बातें मैंने पूछी नहीं कभी। ये 3, 4, 5 है या नहीं, तो राइट एंगल होगा कि नहीं, बोलो? राइट एंगल होगा। ये मीडियंस किस पे काट रही हैं? राइट एंगल्स पे काट रही हैं। नहीं पता चला आपको? नहीं चला, नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि दिमाग नहीं है। ये 1.5, ये 2 है, ये 2.5 है, इनका अनुपात पूछूं तो ये 3, ये 4, ये 5 है, और 3, 4, 5 पे 90 डिग्री। अब पता चला। चलिए बेटा, ये आदत अभी तक गई नहीं आपके, ऐसे कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। ये बचपन में, बचपन याद आ गया था? कई बच्चे यही ऐसे नाक दबा के ऐसे करें, कुछ भी करें। अरे भैया, अब इन सब का टाइम नहीं रहा, अब इन सब का टाइम आपके बच्चों का है, उनको मौका दीजिए। अब देखिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा या नहीं? होगा। अगर ये 1.5 है तो ये 3 होगा, मीडियन से ये सेंटर्ड होगा ना पी, तो ये 2 और ये 3, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? 3 आ गया। अगर इस अकेले ट्राइंगल का 3 है तो हम जानते हैं मीडियन 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती है, एबीसी का कितना होगा? 3 × 6 = 18। अच्छा, आप ये भी जानते हैं अगर ये 18 है तो ये 1/4 होता है पूरे का, क्योंकि मीडियन है ना, बताया था या नहीं बताया था कभी? अबे ये अगर मीडियन से तो ये पूरे का 1/4 होता है, कितना होगा 1/4 × 18? 4.5। अगर ये 4.5 है तो नीचे कितना बचा? 13.5। ये उत्तर बहुत सिंपल था इस सवाल में, बस यही महत्वपूर्ण था कि आप इस बात को पकड़ पाए, बस खत्म बात। ईद वाले भैया कैसे हैं? अभी और सवाल पूछूंगा मास पेंट ज्योमेट्री पे। जस्ट चिल, जस्ट चिल, चिल जस्ट चिल, एक गाना है ना। हाँ रांची वाले भाई साहब, आप बताइए, आपको समझ आ गया सवाल? क्या ये मुश्किल था सवाल, बताओ? या राइट एंगल तो आपको पता लगा, आप क्या कह रहे हैं, चाहते हैं कि हम डायरेक्ट दे दें 3, 4, 5? थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना ऐसे। अब आप इस ट्राइंगल का भी एरिया निकालना चाहते तो 1.5 आ जाता शायद, 1.5। और बता, आपको इसका अगर 1.5 आता तो इसका उसका 4 गुना होता, 6 आ जाता इसका। ये भी मैंने सिखाया आपको, और पूरे का मैंने ये भी बताया था 12 आ जाएगा, याद है? मैंने कहा था अगर इसका 1.5 आ गया तो पूरे का 12 गुना होगा, 12 को 1.5 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, 1/12 का अनुपात बताया था, याद है? कल ही करवाए। इतनी सारी चीज़ें आपको बताएं, इतने सारे रास्ते आपको बताएं, फिर भी आप नहीं जा पा रहे, कन्फ्यूजन किस बात का? जब आपको पता सारे रास्ते आंसर तक जाएंगे, मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, रास्ता तुझ तक जाता है। डूबना पड़ेगा पता है पढ़ाई में,
इस तरीके से डूबना पड़ेगा कि कुछ याद ही ना रहे। कुछ भी चीज अगर पानी है तो डूबना पड़ता है। कहते ना, मुझे याद तो है, मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। इस तरीके से खुद का भी पता ना रहे, ऐसे आपको पढ़ाई में डूबना है। पढ़ाई के लिए लिखी है शायरियां, ठीक है, कोई इधर उधर की बातों के लिए नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही। सब कुछ संभव है इस संसार में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकती। उस हद तक जाना पड़ता है, हद के पार। एक और चाहिए शायरी। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक वो गया ही नहीं, चाहत में कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई और आगे निकल गया। ट्रिपलेट ओ हाँ भाई, बताओ बताओ क्या जानना चाहता। ये सवाल में किसी को डाउट है? ये मिस्टर कशिश, एक आध सवाल करा आज तुमने? अरे हाँ, तुमने तो टॉप कर दिया एग्जाम। तुम बताओ भाई, ये टेढ़ी शकल, अच्छा टेढ़ी नहीं, गर्दन क्यों टेढ़ी करके बैठे हो? सीधी नहीं करके बैठ सकते? ऐसे बैठे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा देखिए, ये समझ गए आपकी, ये डेढ़ दो ढाई और दो है तो ये 90 डिग्री का कौन होगा? ये समझ गए, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। मैं जानता हूँ कि ये डेढ़ है तो ये तीन होगा, मीडियन 2/1 में काटती है, तो ये तीन है, ये दो है तो ये कितना होगा? तीन, हाफ 2 × 3 होगा ये। अब इसका एरिया 3 आ गया तो पूरे का कितना आ गया? 18। अब आपको उस पूरे में से ये घटाना है, क्योंकि हमें पूछा है DEAC का पूछा है, तो DEAC का निकालने के लिए हमने क्या किया, 1/4 पार्ट घटा दिया, 3/4 पार्ट ले लिया केवल। 18 का 3/4 क्या होगा? 13.5। मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक सवाल लिख लीजिए। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे सॉल्यूशन, छोटे से हैं, पॉइंट डी ऑन ईपी। आज वो भाई साहब आए जिनके पापा ने कहा है कि जिनसे लड़कों से तेरी लड़ाई हुई है तू भी चक्कू रख और डंडा रख, जहां मिले वहीं उनको खत्म कर दे। ऐसे किसी लड़के के पापा ने सलाह दी, क्या वो भाई साहब आए हैं आज? कल तो मैं जल्दी में था, आज उनका इलाज मैं करूंगा। तो ये ऐसे बोलते हैं पापा, पापा की ये सलाह है। पापा को बता दो दिल्ली में 100 नंबर बहुत एक्टिव है। पापा ये कह रहे पापा डाकू होंगे। यार अभी तो डाकू खुद ही बालक है, आप इसको पापा ना बनाओ प्लीज। कई बच्चे तो ये कह के भेजा करेंगे, बस ये नहीं बताना है कि पापा यहीं पढ़े हैं, नहीं तो तू गया बेटा काम से। सबसे ज्यादा मजा तो आएगा जिनकी मम्मी यहाँ पढ़ी। और पापा मम्मी दोनों पढ़े हैं तब तो पूछो मत। ये पीछे वाले खुद ही मजाक करके हंस लेते हैं, इनका बढ़िया। देखिए जिन लोग पीछे से नहीं पूछ पाते हैं, गणित कमजोर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे बैठें ताकि पूछ पाए। आगे वाले बच्चों से कम्युनिकेशन बराबर होता है, कोई बात नहीं समझ में आई है, पीछे से हिम्मत नहीं हो पाती कि यार पूछा हाथ उठा के, तो आपको आगे बैठना चाहिए। करो ना करो तुम उन पे भरोसा, यार ये कैसे झमेले हैं पीछे ना। इसके बाद एक बहुत सुंदर सवाल पूछूंगा मास पॉइंट ज्योमेट्री पे। फिर से
क्या उत्तर आ रहा है? 24:49। यार आप बहुत जल्दी सीख जाते हो कोई भी चीज सिखाओ तो। मिस्टर मनमोहन, आपका मुझे लगता है सबसे सही नाम रखा गया है पूरी कोचिंग, मनमोहन। बाकी सबके अड़े बड़े नाम है। यार अभी तक नहीं हो रहा सवाल, बताओ। इस लड़की ने कर भी दिया, तुम क्या कर रहे हो भाई आजकल? तुम्हारे आंसर बहुत लेट आ रहे हैं। ये ग्रीन टी शर्ट, तुम्हारे आंसर आजकल बहुत लेट आ रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी करो। तुम्हारा आ गया उत्तर, तुम भी पढ़ने में बहुत ठीक हो। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा? अभी रह गया है, चल रहा है अभी, जब तक LDC वगैरह दो, कोई एग्जाम तो निकले। बेटा आप ऐसे कर रही हैं, ये मुंह पे हाथ नहीं रख सकती हैं, उबासियां ले रही क्लास के बीच में बैठ के। मैनर्स कब सीखोगे तुम लोग? ऐसे मुंह जहां मर्जी, आंख भी बंद है, पता नहीं किसने मुंह में क्या फेंक दिया। ठीक है गांव से निकल आया, अब उसके बाद तो एटिकेट्स तो सीखने पड़ेंगे। हम तो सीखो, किसी के साथ खाना खाने जा रहे हो पहले उसकी प्लेट में सब्जी परोसो। ये नहीं कि अपना शुरू हो गए, कई लड़के तो वो जो बाउल आते हैं उसी में शुरू हो जाते हैं। और सामने वाले आप भी लो, आप भी लो। भाई साहब जस्ट वेट, कोई शब्द बाहर तो नहीं रह गया। नहीं यही इसमें दिक्कत है बस। चलिए कोई बात नहीं, अब ये नहीं छोटा हो रहा है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, होना तो चाहिए बट। ठीक है, ये कह रहा है कि ABC हैज पॉइंट डी ऑन AB और पॉइंट ई ऑन BC। ठीक है चलिए मैं इसको उधर कर देता हूँ सवाल को, आप बता दीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ था। ठीक है सवाल इधर कर देता हूँ, सवाल की फोटो तो ले ही ली होगी आपने। अच्छा मेरे पास तो नहीं है अब सवाल, फोन देना एक बार। ये कह रहा है कि ABC हैज पॉइंट डी ऑन AB। ABC है पॉइंट डी ऑन AB, AB पे डी पॉइंट है, EBC पर है और FAC पर है। AECD एंड BF, AECD और FP एक दूसरे को जी पर काटते हैं। द AD रेशियो DB 3:5 है, ये 3:5 कर रहा था ज़्यादा, इसको 9:2:11 कर दिया गया। CE कितना है? 8 और 3:11 कर दिया गया। FG और GB पूछ, ये पूछ रहा है आपसे, सिंपल है, लगाई होगी अपने मास पॉइंट। जैसे आप देख कि 3 यहाँ आएगा और 8 यहाँ, 24 आएगा। अब 24 दिया 72 और 8 नीम 72, 24 पंजे 120, 40 दिया 120, 40 और 19 मिला के बीच में आएगा 59, 49। ये 19 नहीं है, देखिए कमाल हो गया, ये 19 है ये 24 है, तो ये कितना आ जाएगा? 49, लगभग 2:1 बना गया, 24:49। हमसे पूछा था FG GP, 24:49। एक और सवाल हो जाए सुंदर जी।
आपकी फरमाइश पे प्रस्तुत है एक सुंदर। अब आप समझ भी जाएंगे कि कहाँ मास पॉइंट लगानी है और जल्दी से फटाक से लगा देंगे दोस्त। बहुत पसंद है। है जी, हाँ मतलब कंपलसरी है। हाँ नहीं लगाते, मजबूरी है कभी तो, बट मेरे पास 60-70 भेज रखी है ना, तो पहननी चाहिए मुझे। एक सवाल लिखें, बहुत ही सुंदर सवाल है ये। इस सवाल की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि आप उन्हें भी भूल जाएंगे। देखिए इन बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में पॉइंट डी, पॉइंट डी डिवाइड एसी, डिवाइड एसी इन 1:2, किसका रेशियो दिया हुआ है, एडी और डीसी का। ई मिड पॉइंट ऑफ बीडी है, मिड पॉइंट ऑफ बीडी है, बीडी एंड एफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ बीसी एंड एई। एबीसी का एरिया 360 है, तो ई बी एफ का एरिया बताना है क्या होगा, ई बी एफ का एरिया क्या होगा ये बताना है। आप बताइए जी, ये कोने में कैप वैप लगा के पूरा। हाँ आ रहा है आपको समझ, बेटा मेहनत करो पढ़ाई में। 30, ये लड़का इतना हमें इंटेलिजेंट लगता है। बेटा ग्रेजुएशन हो गई आपकी, अभी नहीं हुई, 3rd ईयर है अभी, सोचो। और हर सवाल का आंसर वो भी सही बताता है हमेशा, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। कई ऐसे लड़के हैं इस क्लास में जो तुरंत और सही सटीक उत्तर बताते हैं, आपको सीखना चाहिए इनसे, देखना चाहिए। कभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई उसके बावजूद इनकी तैयारी इस लेवल की है। आप क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, देखिए दोस्त। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी, देख लीजिए ध्यान से, अब एबीसी एक ट्रायंगल है, और एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एसी को डी डिवाइड कर रहे हैं, डी पॉइंट डिवाइड एसी। वन इज टू टू में डी हमने यहां रख लिया पॉइंट, तो ये 1 है और ये 2 है। ई मिड पॉइंट है बीडी का, बीडी का ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है। एफ इंटरसेक्शन पॉइंट है बीसी और एई का, यानी एई को इधर आगे बढ़ा दें तो ये एफ पे काट करेगा। यही है ना भाई सवाल, बता दो आप, बताओ एक बच्चा, क्या कोई और बच्चा निकाल पाया है 30 इनके अलावा। चलिए बहुत खुशी की बात है, कम से कम 20 लोग हैं जो कर पाए, खुशी है हमें इस बात की। ये भाई साहब कौन है जिन्होंने गले में पट्टा डाल रखा है, आपकी प्रॉब्लम है कुछ गले में तो ऐसे पट्टा डाल के आए हैं जैसे किसी ने आपको पाल रखा हो। डोंट प्लीज यार, ये सब मत करिए, हंसी निकलता हमारा, हम कैसे रोके यार, मजाक के आदमी है। देखिए ये 1:2 और ये मिड पॉइंट है, तो आप मुझे इतनी बात बताइए, ये यहाँ पे 2 अगर वेट होगा तो यहाँ 1 होगा, बताओ बे, 2 और 1। आपको पता है कि ये ई मिड पॉइंट है किसका,
बीडी का, तो यहाँ पे तीन वेट होगा, तो चाचा यहाँ पे भी तीन होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, अगर यहाँ तीन है। अब हमें चाहिए क्या, हमें ईवीएफ का एरिया चाहिए, यानी कि हम इसको ये बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं भैया, तो ये तीन एक है, तो यहाँ एक और तीन का रेशियो होगा कि नहीं होगा? होगा, आप मुझे बताइए, ये दोनों बराबर है, इनका भी अनुपात दिया है कुछ? नहीं, नहीं दिया तो हम निकाल देते हैं, ये चार है, ये चार है और ये दो है, तो इसका दो और एक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो तीन और एक चार, चार की वैल्यू सवाल में 360 है, एक की 90 होगी, यानी इस पार्ट का एरिया 90 होगा। अब ये 90 एक और दो में बटेगा, इसका एरिया एक और दो होगा भाई, तो अगर तीन की वैल्यू 90 है तो इस एक की 30 होगी भाई, यही पूछ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे आप? भाई साहब 2 मिनट लूंगा, बैठ सकते हो, जरूरी बात है, 2 मिनट छोड़ रहे हैं अभी, अच्छा जरूरी, मैं समझता, आप निकल जाओ भाई साहब, हम नहीं चाहते कि अलगाव हो। देखिए अलगाव के हम सख्त खिलाफ हैं, वी आर अगेंस्ट अलगाव। देखिए कल हमने एक सवाल किया था जिसका लॉजिक नहीं कंफर्म हुआ था, जिसका आंसर हमने ऑर्थो सेंटर बताया था, तो ऑर्थो सेंटर हर केस में नहीं हो सकता, ऑर्थो सेंटर हो भी सकता नहीं भी, वो डिपेंड करेगा कि अगर हमने सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल बना लिए या सारे ट्राइंगल हमने समद्विबाहु बना दिए तो ऑर्थो सेंटर भी उसी लाइन में हो जाएगा, बट उसमें ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ही होगा या, तो हमें उसका आंसर कैसे निकालेंगे एक बार दोबारा देख लीजिए उसको, करेक्ट कर लीजिए उसका आंसर को सेंट्रोइड। सवाल ये था कि ए आपने ऐसे बनाया है ए, और ये बी और ये सी था, अब आप एक और ट्रायंगल बना रहे हैं इन दो के बीच में, बना लिया आपने एक और ट्रायंगल, आपने कह दिया जी इसका सेंट्रोइड G1 है और इसका सेंट्रोइड आपने कह दिया G2 है, G2 सेंट्रोइड। अब आपने कहा इसको मीडियन बना दिया, मीडियन बना दिया आपने इसको, और आपने इसको भी मीडियन बना दिया, और ये मिड पॉइंट पे ही काटेंगे दोनों मीडियन भाई, क्योंकि बेस तो सेम है ना, बी सी बेस सेम है, ए भाग रहा था इधर से उधर, एक बार यहाँ था एक बार यहाँ था ए, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि अगर ये इसका सेंट्रोइड है तो ये दो होगा और ये एक होगा, और ये भी आप जानते हैं कि ये भी एक होगा और ये दो होगा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, और मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए ए और कौन सा है इसको डी मान लेते हैं, पॉइंट डी की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं डी की बात कर रहे हैं, ये मिला दिया, तो आपने कहा कि जी यहाँ पे G1 आ रहा है पॉइंट और यहाँ पे G2 आ रहा है, ये आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये एक अनुपात दो है, आप कह रहे हैं कि एक अनुपात दो है, अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है इसका मतलब कि ये ट्राइंगल पूरे के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और अगर ये सिमिलर हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, और ये ऑलरेडी इसके पैरेलल थी, ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, आपस में ये दोनों भी बहनें हुई, बट ऐसे नहीं कि इसकी पत्नी है, वहां पे ये रूल नहीं चलता पत्नियों में, भाई बहनों में चल जाता, तो ये इसकी भी पैरेलल होगी, यानी कि जितने भी सेंट्रोइड बनेंगे G1 G2 वो इस लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है। आप एकदम क्लियर हुई बात, सही जवाब सेंट्रोइड है। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी इसी उत्साह उमंग के साथ, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।